me, baby. Don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, think about it. Up to the left. ये क्या लगा वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं थोड़ी चेंज कर यहाँ पर डेंटिस्ट के पास आया हूँ और आपने आज वो सारी चीजें मेरी देखी जो आज तक कभी किसी ने नहीं देखी होगी। आपको मैंने पूरा मुंह खोल के मेरे मुंह के अंदर कितनी सारी चीजें हैं वो सब कुछ दिखा दिया है। आई थिंक आपको फूड पाइप भी देखा होगा, मेरी किडनीज भी देखी होंगी, तो प्लीज आप किसी को मत बताना कि मेरी किडनीज कितनी अच्छी है। Anyways, so I am with Dr. Malik over here. Hi, Dr. Malik, thank you so much for giving me this service. तो डॉक्टर मलिक के पास में एक रेगुलर रूटीन के लिए आया था बेसिकली। मुझे दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली, बट यस, तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि हमने आज जो किया, आपने जो भी प्रोसीजर मुझ पर किया, लोगों ने देखा वो क्या क्या किया? एक्चुअली दिस इज ए नॉर्मल क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग। हर पेशेंट को हर 6 मंथ में ना डेंटल चेकअप कराना चाहिए। और ये जो है क्लीनिंग, यानी ऐसा समझे कि ये हर पेशेंट में ना ये रहता ही है कुछ, विच इज वी कॉल्ड एज ए डेंटल प्लाक और कैलकुलस। ये माइल्ड भी रहता है तो ये जाके आगे जाके मॉडरेट होता है, फिर वो जाके सीवियर हो जाता है। तो इसी से हमारी कैविटीज बढ़ती है, इसी से फिर फर्दर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अगर हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, हर 6 मंथ में क्लीनिंग वगैरह मेंटेन रखेंगे, तो ये आगे जाके प्रॉब्लम नहीं देगा। तो अभी हमने जो भी यूट्यूबर इर्शाद जो है, इनके साथ हमने क्लीनिंग और पॉलिशिंग किए है। ये नॉर्मल है, नॉर्मल हम जो डेंटल प्लाक और कैलकुलस होता है उसी को रिमूव करके पॉलिशिंग किया है। अच्छा, ओके। तो मुझे एक बात बताइए कि आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं एज ए डेंटिस्ट? एज ए डेंटिस्ट ये 5th ईयर मेरा कंप्लीट होने वाला है। ओके, वेरी गुड। तो मैंने जब उससे पहले बात की थी, तो यू डॉक्यूमेंट सम सर्टिफिकेशन जो आपने मतलब कंप्लीट किए, तो बेसिकली यू डन BDS और आपने मास्टर्स भी किया है। मास्टर्स में उसमें फर्दर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जी, तो वो मैंने किया। ओके ओके, तो ऐसे कितने कोर्सेज होंगे मतलब अंदाजे? देखा जाए तो इसे 50+ कोर्सेज मैंने कंडक्ट भी किया हूँ कुछ और किया भी। क्या बात है, तो एक नॉर्मल डेंटिस्ट भी ये कोर्सेज करता है कि मतलब दिस इज समथिंग यूनिक अबाउट यू कि आपने इतने सारे कोर्सेज? नहीं, नॉर्मल डेंटिस्ट अगर उसमें वो करेज रहेगा कि मुझे और सीखना है, लर्निंग करना है, तो कर सकता है। अच्छा, जरा ऑप्शन। तो इससे मतलब आपकी जो एक्सपर्टीज है वो बेसिकली बढ़ जाती है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मतलब इन्होंने इतने सारे कोर्सेज किए और डेफिनेटली जब आप इतने सर्टिफिकेशन के कोर्सेज करते हो, आप ज्यादा नॉलेज लेते हो, तो आपका जो एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है, एंड एट द सेम टाइम यू कैन ट्रीट योर पेशेंट्स वेल। तो यार इनका जो क्लिनिक है बेसिकली ये वडाला में है, वडाला वेस्ट में है। तो इनका जो एड्रेस है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे आपको डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे एड्रेस और क्लिनिक का एड्रेस और क्लिनिक का कार्ड वगैरह भी डाल दूंगा। आपको जब भी बॉम्बे में, ऑल ओवर बॉम्बे में जब भी आपको अपने बच्चों को या फिर खुद के लिए आपको आना है, तो प्लीज आइए। और प्लीज डू नॉट वेट कि अगर दांत दुख रहा है, कैविटी हो गई है, कोई प्रॉब्लम है तो आना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। रेगुलर चेकअप के लिए आप आ सकते हैं। अगर आपने पिछले कुछ सालों में डेंटिस्ट को विजिट नहीं किया है, जो कि मैंने पिछले 4 साल में डेंटिस्ट को विजिट नहीं किया था, तो आपको जरूर आना चाहिए इनके पास में या फिर किसी भी डेंटिस्ट के पास में। लेकिन मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस अच्छा है, तो मैं ये कहूंगा कम टू हिम, ही डू अ वेरी गुड जॉब। एंड एट द सेम टाइम इनके जो कॉस्ट भी है वो काफी अफोर्डेबल एंड काफी कॉस्ट वर्थी है। ही इज नॉट समवन हु विल टेक मनी फ्रॉम यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेकिंग। ये उसी के पैसे लेंगे जो कंडक्ट करेंगे, एंड ही विल गिव यू द बेस्ट सर्विस। ऑलराइट, सो टेक केयर। डोंट वांट टू फॉल अगेन, दिस जस्ट हर्ट मी, जस्ट थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट
about it, but you hold me like you don't wanna.